दिल्ली के कुंडली बॉर्डर से किसानों का मोर्चा होर भी वड्डा हुंदा जा रहा है। इस मोर्चे नूं पंजाब दे कलाकारां दी भी पूरी हमायत है। पंजाब दे हासरस कलाकार गुरप्रीत घुग्गी मोर्चे दे विच पहुंचे, केंद्र सरकार दे उत्ते खूब व्यंग कसे। उन्होंने कहा कि पंजाब दे मुंडिया ने सरकार दी आईटी सैल नूं भी पछाड़ दिता है ते हर गल दा ठोकवां जवाब दिता जा रहा है। ना कोई फालतू बंदा स्टेज तो बोलता है, ना कोई थल्लियों किसी नूं गल करन दिंदे आ। अज तक भी अगवाई उसे तरह चल रही है जिदा पहले दिन शुरू हुई सी। सौ सलाम साडे बजुर्गां नूं, साडे उहनां किसान आगुआं नूं जिन्हां ने इस मोर्चे नूं अज तक इन्नी सियाणप नाल सांभिया होया। और जिहड़े उत्ते बैठे हाकम जाबर जालम ते इहनां दा खरीदिया मीडिया, इह कहिंदा सी किसान तो अनपढ़ होते हैं। जो इन्होंने आई टी सैल की बस कराती ना साडे मुंडिया ने ट्विटर से अकाउंट खोल खोल के, जो साडे मुंडिया ने धुक पाती धक पाती, जो इंस्टाग्राम से फेसबुक से पोस्टा पा पा के, यह हुण नवी भर्ती खोली होनी इन्होंने को बंदे घट गए होने, सारा देश अगे लाया सी इन्होंने सोशल मीडिया से, साडे मुंडे उन्होंने पोस्ट ही नहीं चलन देंदे कोई, इन्ना वक्त पाया उन्होंने। हुण उन्होंने कोई साडी पोस्ट पैंदी है ना किसानों की, अगे उन्होंने 50 कमेंट डिगते होंगे सी, हुण 40 कमेंटा तो बाद उन्होंने एक सड़िया जिहा कमेंट आउंदा। एक दिन मैं वेख्या एक इन्हां दी भी पढ़ी लिखी अकल देख ली, एक किसी बंदे ने बहुत सोहना कमेंट पाया सी कि अगर किसान नहीं रहेगा तो ये अन्न पानी की बात छोड़ो, घरों में दूध भी नहीं आएगा। थल्ले एक बेवकूफ जनानी ने लिखिया, कोई बात नहीं हम पैक्टो वाला दूध ले लेंगे। ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਬੇਵਕੂਫ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਕਟਾਂ ਚ ਦੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਅਡਾਨੀ ਦੀਆਂ ਜੂਆਂ ਸੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਜਾਣਾ? ਇੰਨੀ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਵੀ ਦੁੱਧ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਆਉਣਾ ਬੇਬੇ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਫੁੱਫੜਾਂ ਨੇ ਭੇਜਣਾ ਤਾਂ ਪੈਕਟਾਂ ਚ ਪੈਣਾ। ਇਹ ਪੈਕਟਾਂ ਦਾ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਕਿਦੋਂ ਵੀ ਤੂੰ ਛੱਤ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਿਆਏਗੀ ਜਾ ਕੇ? ਅਜੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਸਿਰਫ ਧਰਨੇ ਤੇ ਆਏ ਆ, ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਗੱਲ ਦਾ ਫਰਕ ਸਮਝਿਓ, ਜਿੱਦਣ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਬਾਬੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਕਲਮ ਛੋੜ ਹੜਤਾਲ, ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਕੰਮ ਤੋਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਹੜਤਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਣ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਹੱਲ ਛੋੜ ਹੜਤਾਲ ਕਰਤੀ ਨਾ, ਜਿੱਦਣ ਕਹਿੰਦਾ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਘਰ ਬਹਿ ਗਏ, ਜੇ ਕਿਤੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਘਰ ਬਹਿ ਗਿਆ ਨਾ ਕਿਸਾਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਵੀ ਕਣਕ ਗਮਲਿਆਂ 'ਚ ਉਗਾ ਲਓਗੇ?